इस मीडिया ने इस कोविड-19 को एक मजहब दे दिया। कोई मुल्क इसको मजहब से नहीं जोड़ रहा है, सब कह रहे हैं कि भाई ये मिलकर इसका मुकाबला करना है, मगर ये मीडिया के लोग, इनको शर्म नहीं आती, इतने बेशरम है ये लोग कि ऐसे वक्त में बजाय लोगों को जोड़ने के हस्ब रिवायत, हस्ब आदत और अपनी मुनाफ़त और अपनी खुशामद और बल्कि जर्नलिज्म के नाम पर धब्बा हैं ये लोग जो एक मज़हब को इससे जोड़ रहे हैं। अब आप ये बताइए, पार्लियामेंट को क्यों नहीं बंद किया गया भाई? 13 मार्च को मिनिस्टर ऑफ हेल्थ कहती है कि ये कोविड जो है हेल्थ का नहीं है। पार्लियामेंट चलता है, आप मध्य प्रदेश में आप बीजेपी गवर्नमेंट बनाती है, हजारों की तादाद में लोग खुशियां मनाते हैं उनके दफ्तर में आके, उसमें आप याद नहीं आया। आज से चंद दिन पहले दिल्ली दारुल हुकूमत भारत की, हजारों लोग जो उत्तर प्रदेश बिहार बंगाल से मजदूर पेशा हैं, भूख और फाका कशी के आलम में निकल जाते हैं, आपको जब कुछ नहीं बोलते आप। अच्छा, भारत बंद 5-6 बजे खत्म हुआ, रोड पर निकल कर लोग थालियां बजा रहे हैं, बैंड बजा रहे हैं, जब आपको नजर नहीं आया। ठीक है, दिल्ली में हुआ, वहां से लोग निकल के, हम उसे इनकार नहीं कर रहे, मगर इसको पूरी तबलीगी जमात को जिम्मेदार खड़ा कर देंगे, इस्लाम को जिम्मेदार खड़ा कर देंगे तो फिर क्या? इटली में फुटबॉल मैच में फैल गया पूरा, अब बोलिए उसको जिम्मेदार खड़ा करेंगे? ये पेंडेमिक है भाई, हम गम है हमारे को, ये लोग जा रहे हैं भाई। किस चीफ मिनिस्टर टेलीफोन करके मेरे को बोले, असद भाई मैं बहुत तकलीफ हूँ, मेरे को मालूम नहीं था कि 6 अमवात हुई। बोले मतलब क्या हुआ साहब, बोलिए। तो बोले असद भाई बहुत बुरी न्यूज है, अपने तेलंगाना के 6 लोगों का इंतकाल हो गया। अरे भाई, एक रियासत का चीफ मिनिस्टर फिक्रमंद है और पूरे तबलीगी जमात के जिम्मेदारान से मैं रबते में हूँ, हुकूमत रबते में, वो पूरा अपना मुकम्मल ताबुन पेश कर रहे हैं। तो मैं आवाम से अपील कर रहा हूँ कि इसको जो बाज मीडिया के लोग इसको इस्लाम से जोड़ रहे हैं, वो काबिल मजम्मत है, कंडेमनेबल है, यकीनन ये हुआ है, इसको रोकना है। कैसे रोकना है, इंशाल्लाह हम पूरी